दिसंबर भी खत्म होने को आया, जनवरी भी जल्द खत्म हो जाएगा, फिर शुरू होंगी आपकी बोर्ड परीक्षा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10 स्टूडेंट की, और अगर आपने अभी तक मैथ्स की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो यहाँ पर मैं कुछ आपको बुक्स बताने आया हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपके आएंगे मैथ्स एग्ज़ाम में 80/80। अब वो कौन सी बुक्स है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है मार्केट में डिफरेंट टाइप्स की बुक्स अवेलेबल है, लाइक एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड मैनी मोर। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा वो फॉलो करता है जो एनडीए या फिर जेई की प्रिपरेशन कर रहा है। एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल वो फॉलो करता है जो अपने सिर्फ कंसेप्ट बिल्डिंग कर रहे हैं। बट ये बुक्स अभी आपने फॉलो नहीं करनी, बिकॉज ये आपके स्टार्टिंग में फॉलो होती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग बुक है जिसके लिए आपको काफ़ी ड्यूरेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आरडी शर्मा और आरएस अग्रवाल। तो यहाँ पर आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है, वो है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आपको फॉलो करनी है, बिकॉज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई भी रिकमेंड करते हैं। तो इसलिए अगर आप एनसीईआरटी को अभी स्टार्ट कर रहे हो तो उसके साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी फॉलो करें। अब बात हो रही है कि 80/80 कैसे आएंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक और बुक रिकमेंड करता हूँ। इन तीन बुक्स को आप फॉलो कीजिए, आपके 101% 80/80 आएंगे। अब वो कौन सी बुक्स है, आप फॉलो कर रहे हो एनसीईआरटी, उसके साथ साथ आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो तीसरी बुक है वो है हमारी शिवदास की पास 7 ईयर्स बोर्ड पेपर एंड सैम्पल पेपर। बिकॉज यहाँ पर आपको लास्ट 7 ईयर्स के सीबीएसई के बोर्ड पेपर मिलेंगे जो ऑलरेडी बोर्ड पेपर में आए हुए हैं, और साथ में आपको 5 सैम्पल पेपर मिलेंगे फुली सॉल्व, और 5 आपको अनसॉल्व सैम्पल पेपर मिलेंगे। और जो आपके पास 7 ईयर सीबीएसई पेपर्स है वो आपके इनसाइड दिल्ली और आउटसाइड दिल्ली वो भी हैं। तो मतलब यहाँ पर आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी करनी है, साथ में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को ही फॉलो कर रहे हो, तो साथ में आप ये वाली बुक भी फॉलो कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस के लिए आपको सैम्पल पेपर भी मिल रहे हैं और प्लस साथ में लास्ट 7 ईयर्स के सीबीएसई के बोर्ड पेपर भी मिल रहे हैं। वो करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि सीबीएसई में कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है, उनका क्या पैटर्न होता है, तो इससे आइडिया हो जाएगा आपको। और ये बुक काफ़ी महंगी भी नहीं है, काफ़ी बजट में है, तो इस करके ये आपके इजीली बजट को भी ख़राब नहीं करेगी और आप इजीली इसको ख़त्म भी कर दोगे, बिकॉज ये मोटी बुक नहीं है, काफ़ी पतली बुक है। तो इस करके मैं यहाँ पर आपको रिकमेंड करूँगा कि इन तीन बुक्स को फॉलो कीजिए अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप स्टार्टिंग से सेशन स्टार्ट कर रखा है तो देन आपने आरडी शर्मा या फिर आरएस अग्रवाल तो ख़त्म कर ही ली होगी, तो इसलिए आप इन बुक्स को फॉलो कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में 80/80 लेकर आए। तो मैं आपको सबको बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज प्री बोर्ड एग्जाम। तो मिलते हैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।